लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ओमिटिंग। ठीक है, तो ओमिटिंग के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया अपनी पिछली क्लास में, ओमिटिंग में हमें ध्यान रखना है। ओमिटिंग का मतलब कि आपको एक वर्ड मिसिंग दिया होगा हर लाइन के अंदर, और आपको पर्टिकुलर ये ध्यान रखना है कि वो वर्ड किस वर्ड के पहले और किस वर्ड के बाद में है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको ऐसे पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, और यहां पर क्या है कि आपको एक मिसिंग वर्ड लिखना है बीच में, उस वर्ड से पहले कौन सा वर्ड है वो यहां शो करना है, और उस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड है वो आपको यहां शो करना है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज स्टेडली प्लेसिंग आवर हैंड्स पावर एंड इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्सपेक्टेड टू रिलीव अस मैकेनिकल ड्रजरी एंड गिव अस मोर टाइम कल्चर एंड आर्टिस्टिक परसुएट्स हॉबीज। तो यानी कि यहां पर देखिए, आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एज, यानी कि जो हमारे औद्योगिक, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े उद्योग होते हैं, ठीक है, उसके बेस पर ये पैराग्राफ दे रखा है। अब हम देखते हैं कि यहां पे कौन सा वर्ड मिसिंग है, यानी कि हर लाइन में हमें कहां पे एक वर्ड पुट करना है। जैसे द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज इज, अब देखिए ये है आपका ओमिटेड वर्ड। ओमिटेड का मतलब गायब है, यानी कि आपको यहां पे लिखना है। तो आपका बिफोर वाला वर्ड क्या है, वो है एज, और आपका मिसिंग वर्ड है एज, और ये क्या है आपका स्टेडली, इसके बाद, ठीक है, तो ये है आपका ओमिटेड वर्ड एज इज स्टेडली। नेक्स्ट लाइन में प्लेसिंग आर हैंड्स पावर एंड, प्लेसिंग के बाद आप लिखेंगे यहां पर इनटू, प्लेसिंग इनटू आर, तो यानी कि यहां पर क्या है आपका ओमिटेड वर्ड प्लेसिंग के बाद आएगा इनटू। नेक्स्ट लाइन में इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्सपेक्टेड टू, विच के बाद आपने लिखना है आर, तो ये है आपका बिफोर विच, यहां पे आपका ओमिटेड वर्ड आर, एक्सपेक्टेड ये है आपका आफ्टर। नेक्स्ट रिलीव अस मैकेनिकल ड्रजरी, रिलीव ऑफ, ठीक है, रिलीव ऑफ अस। नेक्स्ट लाइन में देखिए एंड गिव अस मोर टाइम कल्चर, टाइम के बाद लिखना है आपको फोर, ये है आपका बिफोर और ये है आपका फोर, मिसिंग वर्ड यहां लिखेंगे आप कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट एंड आर्टिस्टिक परसुएट्स हॉबीज, परसुएट्स के बाद आपको लिखना है अपना ओमिटेड वर्ड एंड फिर हॉबीज। Persuades and hobbies. So, dear friends and dear students, ये हैं आपके omitted words. Omitted words का मतलब मैं आपको already बता चुका हूं कि एक word आपका गायब है, यानी कि वो already missing है, आपको उस word को लिखना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि omit का मतलब है कि जब आप उस word को लिख रहे हैं तो उससे पहले वाले word को और उससे बाद वाले, उसके बाद वाले word को भी आपको क्या करना है, show करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए एज इज, यानी कि आपका ओमिटेड वर्ड क्या है इज। नेक्स्ट लाइन में प्लेसिंग आर, यानी कि प्लेसिंग के बाद आपने लिखना है इनटू, उसके बाद नेक्स्ट विच एक्सपेक्टेड, विच के बाद आर, और उसके बाद रिलीव अस, यानी कि रिलीव के बाद लिखना है आपको ऑफ। नेक्स्ट लाइन में टाइम कल्चर, टाइम के बाद क्या लिखना है आपको फोर कल्चर, फिर नेक्स्ट Persuades, hobbies, persuades के बाद आपको क्या लिखना है and hobbies, ठीक है। So dear friends and dear students, ये आपके 7th 8th classes से start हो जाते हैं editing, omitting, ठीक है। इस साल ये क्या कहते हैं आपके कई students के syllabus में है और कई students के syllabus में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या कहते हैं आप लोगों के साथ share किए, तो please इसे like करें, subscribe करें और share करें और सीखें, ठीक है, और दूसरों को भी बताएं। Thank you so much for listening to me attentively and carefully and have a nice day.